गुड मॉर्निंग, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब, खंबागढ़ी, कैसे हैं आप लोग। वैसे तो मैंने गुड मॉर्निंग बोल दिया, गुड मॉर्निंग नहीं था, गुड इवनिंग हो रहा था। आज का मेरा पूरा दिन ऐसे ही निकल गया, क्योंकि मैं आज स्टडी कर ही नहीं पाई, और क्योंकि आज ठंड काफ़ी ज़्यादा थी तो मैंने अपनी बेटी की छुट्टी करवा दी थी, और मेरे हस्बैंड भी घर में थे, उन लोगों के साथ मैंने पूरा दिन अपना निकाल लिया और मुझे बैठ के पढ़ने का टाइम ही नहीं लगा। इतिहास रचने के लिए कलम की नहीं हौसलों की ज़रूरत होती है। वैसे ही अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आपको कलम की ज़रूरत नहीं, आपको अपने हौसले की ज़रूरत है। अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है कि आप कर लेंगे तो आप उस काम को ज़रूर ही कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज रोज़ की तरह मैंने अपने सारे काम कर लिए थे, बट आज शाम को मुझे टाइम लगा पढ़ने के लिए, तो मैं अभी पैडागोजी पढ़ रही हूँ। मेरा सबसे ज़्यादा फोकस पैडागोजी और EVS पे है, क्योंकि हमारा जो पैडागोजी है वो 60 मार्क्स की है और EVS है 20 मार्क्स की है। ये काफ़ी लंबे चैप्टर्स हैं इसके अंदर, और जो पैडागोजी है उसके अंदर क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कभी कभी समझ में नहीं आते। मुझको 1.5 घंटे पढ़ते हुए ही थे, बट मेरा बेटा मेरे पास आ गया। अब जब वो मेरे पास आ गया तो उसने मेरे को तंग करना शुरू कर दिया, मेरा फ़ोन लेके। मोस्टली वो भागता है, तो जब मेरा सोर्स ही यही है, रिसोर्स ही यही है मेरा पढ़ने का, फ़ोन, तो मैं कैसे करती, क्या करती। क्या करोगे फ़ोन का, क्या करना है उसके साथ, मुझे खेलना ही पड़ेगा, क्योंकि उसको पता है कि मम्मी फ़ोन में वीडियो भी शूट करती है, पढ़ाई भी करती है। तो वो मेरा फ़ोन लेके, खासकर मेरा छोटा वाला फ़ोन लेके भागता है, और मैं अगर नहीं खेलूँगी थोड़ी देर के लिए तो वो मुझे पढ़ने नहीं देगा। और बज रहे हैं 8:30। जैसे तैसे वो, अब मैंने उसको बिज़ी कर दिया है, वो चला गया है और मैं फिर से बैठ गई हूँ पढ़ने के लिए। और अभी मैं अपना मॉक टेस्ट लगा रही हूँ पैडागोजी का, कि पैडागोजी में मेरे दोबारा कितने मार्क्स आए हैं। ये मैं सेकंड टाइम अपना पैडागोजी का मॉक टेस्ट लगा रही हूँ। फर्स्ट टाइम तो मेरे अच्छे नहीं आए थे, और क्योंकि कभी कभी ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बहुत ईजी तो होते हैं, पढ़ने में काफ़ी ईजी लगते हैं, और उसके जो आंसर्स होते हैं सारे लगते हैं कि हाँ आंसर इसकी यही होंगे, और वही बहुत कन्फ्यूज़ कर देते हैं। तो फिर मुझे ऐसे इसी चक्कर में मेरे मार्क्स कम आ जाते हैं, क्योंकि आंसर आते हैं उसके अंदर, चार ऑप्शंस में दो आंसर्स ऐसे होते हैं, ऑप्शंस ऐसे होते हैं कि आपको लगेगा हाँ ये भी राइट है और ये भी राइट है। तो ये मेरा फर्स्ट मॉक टेस्ट था, इधर मैंने आपको बता ही दिया था मेरे मार्क्स कुछ खास नहीं आए थे। और अपना सेकंड मॉक टेस्ट भी मैं लगा रही हूँ, अभी मैं आपको बताती हूँ उसमें मेरे कितने मार्क्स हैं और मुझे भी पढ़ाई करने की कितनी ज़रूरत है। और मोस्टली मैं किचन के अंदर ही पढ़ती हूँ, ऐसे ही मेरे 6 से 7 आवर कंप्लीट होते हैं। अगर मैं चाहूँ कंटिन्यू बैठ के एक जगह पढ़ना तो मैं नहीं पढ़ सकती हूँ, क्योंकि 24 आवर्स होते हैं, 24 आवर्स तो कहने के लिए हैं, बट उसके अंदर जब छोटे बच्चे होते हैं ना तो उसके साथ पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। पर मैं अपना किचन में भी अपने खाना बनाते हुए अपनी स्टडी को कर लेती हूँ, और अभी मैं वही पैडागोजी और EVS में मेरा फोकस है। अगर आप लोगों का किस किस का सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और हाँ, मैं आपको बता दूँ, जैसे फुल फॉर्म्स काफ़ी सारे हैं जो आप याद ज़रूर कर लेना, और क्योंकि उसके क्वेश्चंस भी काफ़ी सारे हमारे एग्ज़ाम में आ जाते हैं। और सीटेट तो क्लियर हो ही गया है सभी बहनों का और मेरा भी, तो अब हम लोगों को मिलकर KVS क्लियर करना है और KVS में जॉब लेनी है। तो चलिए मैं बता देती हूँ, आज मेरा सेकंड डे था मॉक टेस्ट का, फिर भी मेरे 14 मार्क्स आए हैं। और मैं आपको बता दी, क्वेश्चंस बहुत इजी थे और ऐसा लग रहा था कि मैं सारे कर लूँगी, जब करने बैठी तो मुझे पता चला कि काफ़ी टफ था और रिजल्ट मेरा अच्छा नहीं आया। ले लो ना, इधर आओ, भाप दे दूँ, ये खुद ही ऑटोमेटिक मशीन। क्या कर रहे हो आप, भाप ले लो ना, यक्ष भाप ले दूँ, भाप भाप लोगे।
लगा लो इसको, लगाओ। इसकी तबीयत खराब होने की वजह से ना, हाँ क्या हो गया? अच्छा नहीं लगा रहे इसके अंदर, नहीं लगा दो, गिरा दिया ना आपने इसके अंदर से। ये लो इसको, मतलब अभी ही फीवर और फीवर हो गया है, कोल्ड कफ हो रखा है इसको, और मैं घर में ही इसको नेबुलाइज कर रही हूँ, बट ये मशीन से भाप ले नहीं रहा है, और इसकी वजह से टेंशन मुझे काफ़ी ज़्यादा हो गई है। मैं अपने पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पा रही हूँ, सिर्फ 20 डेज रह गए एग्ज़ाम के लिए, और जब तक मतलब अगर कुछ पढ़ो ना दिन में, तो ऐसा लगता है कि आज मतलब दिन अच्छा तो नहीं लगता, कुछ फील अच्छा नहीं होता है, कि ऐसा लगता है कि कुछ पढ़ाई करी नहीं है, सब कुछ रहता गया है। तो बच्चों के साथ पढ़ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। हाँ ले लो ना भाप, ले लो ना, बोलो हेलो, हेलो बोलो, हेलो नमस्ते कर दो, नमस्ते करो, नमस्ते करो, पहले नमस्ते करो, नमस्ते, आंख मार दो, आंख मार दो, आंख मार दो, आंख मार दो, और मार दो, आंख मार दो, जय हिंद कर दो, जय हिंद करो, जय हिंद करो, पहले जय हिंद करो, इधर से नहीं दिख रहा, अब करो जय हिंद करो, नहीं पहले जय हिंद करो, जय हिंद करो, जय हिंद। तो गाइस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बाय कर दो, बाय बाय कर दो, पहले बाय कर दो, क्या कर दिया आपने, बाय कर दो।